जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये मेरी प्यारी बहनों के लिए है, जितनी मेरी बहनें तैयारी करने वाली है एसएससी जीडी की, या जो कर रही है या जो करती आ रही है या जिनको फोर्स में आने का सपना, उनके लिए तो ये वीडियो उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, या जिनकी बहनें तैयारी कर रहे हैं वो दोस्त भी मेरे देख सकते हैं इस वीडियो को। होता क्या है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, होता ये है कि आप पहले तैयारी करते हो मेहनत से, 2 साल 3 साल अच्छे से एसएससी जीडी की, इसमें नंबर आ जाता है, फिर बाद में पछताते हो यार एसएससी जीडी की जॉब कैसी होगी, अरे इस जॉब में लड़कियों के लिए कैसा होगा, सुना है कि जॉब अच्छी नहीं होती लड़कियों के लिए, सुना ही होगा 100% सुनी सुनाई बातें, क्योंकि बातें तो बोलेंगे लोग, लोगों का काम है बातें करने का। तो होता क्या है, इसी के लिए आपको अच्छा ये रहेगा कि आप पहले ही जान लो कि जॉब होता क्या है, क्या आप इस जॉब को कर सकते हो, या आप इसको करने के लिए कंफर्टेबल फील करते हो। तो आपको मैं बता दूं, जैसे इसमें SSF, NIA, PSF, CRPF, CISF, SSB, असम राइफल और ITBP 8 जॉब है। अब आपको इनमें से कोई भी मिल सकती है, 100% श्योर नहीं है कि आपको वही मिलेगी। 100% श्योर तब होता फर्स्ट चॉइस आपको वही मिलेगी जब आपका स्कोर 85 प्लस रहेगा या 90 के आसपास रहेगा। तो अगर इतना स्कोर नहीं होता है तो आपको कोई 100% श्योर नहीं है कि आपका किस में नंबर आ जाएगा। तो फिर नंबर भी आ जाएगा, फिर ज्वाइन भी करना पड़ेगा और फिर पछताओगे भी। तो ज़िंदगी में वो काम कभी नहीं करना जिसको बाद में पछताना पड़े आपको। मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हो कि 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की या आने वाले एग्ज़ाम होगी, फिर आप बाद में बोलते हो ये जॉब कैसी है, लड़कियों के लिए जॉब कैसी है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जॉब कैसी है, ताकि आपको पहले से आवान रहे, आपको पता रहे जॉब कैसी है। तो एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि हार्ड जॉब है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ड जॉब नहीं है, लेकिन परिवार की जो परिस्थितियाँ हैं उससे बढ़कर हार्ड जॉब नहीं है। अगर आपका परिवार की स्थिति ठीक ठाक नहीं है तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करें, और ठीक ठाक है तो भी तैयारी करें, हार्ड जॉब ज़रूर। हार्ड कैसे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, सभी को पता है कि डिफेंस की जो सर्विस होती है, आपको पता है देश में फौजियों को इतना रिस्पेक्ट सम्मान क्यों मिलता है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, माँ और पिता, उनमें से माँ को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, आप पोल क्रिएट कर लें, माँ पिता, माँ पर ज़्यादा क्लिक आएंगे, क्यों? क्योंकि वो त्याग कर दिए, वो अपने बच्चे को मतलब खुशियाँ देने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, वो होती है माँ। उसी प्रकार पुलिस भी काम कर रही है देश में, टीचर भी अपना काम कर रहे हैं देश में देशभक्ति के लिए, लेकिन फौजियों को इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, क्योंकि वो त्याग करते हैं। तो अगर आप फोर्स के मेंबर होने वाले हो तो आपको त्याग तो करने ही पड़ेंगे जीवन में, ठीक है, और बिल्कुल हार्ड जॉब है, इसमें शक नहीं है, थोड़ी बहुत हार्ड जॉब रहेगी। आप अगर टीचर से कंपेयर करो इस जॉब को तो बिल्कुल हार्ड है, क्योंकि टीचर वाला तो हर रोज़ घर जा सकता है, शाम को सुबह आएगा, टीचर स्कूल में पढ़ाएगा, शाम को घर चला जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है इसमें, नाइट में भी ड्यूटी लगती है, दिन में भी लगती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, दोनों को बता रहा हूँ, नाइट में भी 4 घंटे ड्यूटी लग सकती है, 5 घंटे लग सकती है, 8 घंटे लग सकती है, दिन में भी लग सकती है। तो ये आपको पहले से तैयार होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं फटकों फौज की नौकरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ें मैं कुछ गलत फहमियाँ वो दूर कर दूँ कि इसमें हरासमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, हरासमेंट कुछ नहीं होती फालतू की, कोई इलीगल आदेश नहीं होता, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़कों, उनको कोई भी इलीगल आदेश नहीं होते हैं, ठीक है। और सभी जो BSF की, अगर आप CISF की जॉब करते हो तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं। फैमिली रखने की सुविधाएँ होती है, आप फैमिली रख सकते हो आप जिसे, और अगर डिपार्टमेंटली आप शादी करते हो, जैसे अगर आप CISF में हो, CISF के लड़के से अगर आप शादी करते हो तो आपको जीवन पर्यंत उनके साथ में ड्यूटी करने का, मतलब हर एक डिपार्टमेंट मौका देता है, उनकी जहाँ शिफ्टिंग होगी वहीं आपकी ड्यूटी रहेगी, जहाँ उनकी ड्यूटी रहेगी वहाँ आपकी ट्रांसफ़र होगा, तो वो तो एक अच्छा मौका मिल जाता है आपको, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हार्ड जॉब किस लिए बोल रहा हूँ मैं, हार्ड जॉब ऐसा है, छुट्टियाँ लिमिटेड है, आपको परिवार के साथ रहने का मौका कम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसमें जो छुट्टियाँ आपको 3 महीने की है, 3 महीने आप रह सकते हो CISF में, 45 दिन के, तो 45 दिन आप छुट्टी पे जाके अपने परिवार के साथ रह सकते हो, फैमिली रख सकते हो साथ में, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो बाकी जॉब है उनसे हार्ड इसलिए हुई क्योंकि आपको परिवार से दूर रहना पड़ता है, ठीक है, और कुछ ऐसी परिस्थितियों में ड्यूटी करनी पड़ती है। अब जैसे CRPF पे तो लड़कियाँ कोबरा कमांडो भी बन रही है, लेकिन उनमें वो जुनून है, वो अपनी स्वेच्छा से नाम दिए हैं, उनको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया। अभी CRPF का एक नया बैच आया कोबरा का, तो उसमें कोबरा कमांडो भी बन रही है लड़कियाँ, वो उनकी स्वेच्छा से है। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हो कि हाँ मैं फौजी बनने के लिए तैयार हूँ और गुरूर है मुझे इस चीज़ का, मुझे बनना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है, जॉब में कमी नहीं है, आपको फालतू का कोई हरासमेंट नहीं कर सकता,
कोई फालतू के आदेश नहीं होते, काम से काम होता, उसके अलावा कुछ नहीं होता। चाहे आप BSF की ड्यूटी करें तो उसमें बॉर्डर पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, भारत पाकिस्तानी बॉर्डर पे वहाँ पे मोर्चे बने होते हैं उनमें आपकी भी ड्यूटी लग सकती है। CRPF में करें तो आपकी कहीं पे भी पूरे देश में कहीं पे भी इलेक्शन ड्यूटी या जितनी भी प्रकार की ड्यूटी होती है वो सभी ड्यूटियाँ लग सकती है। CISF में आपको एयरपोर्ट एरिया मेट्रो में लड़कियाँ ड्यूटी करती हुई दिखी जाएगी आपने अगर गए हो तो। SSB में भी ड्यूटी करने की, जैसे भारत नेपाल चीन भूटान बॉर्डर है, इस पर भूटान और नेपाल का जो बॉर्डर भारत का, इस पर SSB की लड़कियाँ भी ड्यूटी करती है। साथ में इलेक्शन ड्यूटियों में भी आपने लड़कियों को देखा होगा वहाँ पे भी ड्यूटी करती है, और कई बार जो प्रोटेक्शन होती है जेल का प्रोटेक्शन भी करती है CRPF SSB वहाँ पे भी ड्यूटियाँ लगती हैं। तो वो तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप फिजिकली फिट हो और अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। होता क्या कि कुछ लोगों को बाद में ये रियलाइज़ होता है, मैं तो इस जॉब के लिए बनी नहीं हूँ, मैं ये जॉब कर ही नहीं सकती। तो बाद में रोने से अच्छा है कि पहले आप देख लो। तो पहली बात, आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा इस जॉब में, क्योंकि 100% मतलब 20 साल की सर्विस में 20 साल आपको फैमिली रखने की सुविधाएँ नहीं मिलेगी इनमें से किसी भी जॉब में, ये मैं बता देता हूँ। 20 साल आप सर्विस करने वाले हो तो 20 साल आपको फैमिली रखने की सुविधा कोई नहीं देगा, कोई भी फोर्स नहीं देगी, फैमिली से दूर रहना ही पड़ेगा, ये डिफेंस की जॉब है, ठीक है। दूसरा, आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी, आपके शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। अगर फोर्स में नौकरी करनी है तो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रेगनेंसी के दौरान अलग से छुट्टियाँ दी हुई है, वो छुट्टियाँ मिलती है आपको। जब आपके बच्चा होता है, अपने खुद के बच्चे से दूर रहना पड़ेगा। कई बार आप ड्यूटी पर अपने बच्चे से दूर रहोगे जहाँ ड्यूटी है, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको बच्चा होता है तो आप ऐसी जगह ड्यूटी कर रहे होते हैं वहाँ फैमिली रखने की परमिशन नहीं होती, तो आपको बच्चों को अपनी माँ के पास में या अपनी सासू माँ के पास में या अपने हस्बैंड के साथ में छोड़ना पड़ेगा, वहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस हिसाब से ये हार्ड ड्यूटी होती, ठीक है। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो भाई, घर में चूल्हा बर्तन करने से तो अगर वही ज़िंदगी जीनी है तो कुछ तो करो जीवन में, वो तो सभी जी रहे हैं, ठीक है। बच्चे को जरूरी नहीं कि केवल माँ खिला सकती है, आपकी जैसे दादी माँ है वो भी खिला सकती है, कोई भी रह सकता है। और 5-6 महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर आप छुट्टी चले जाओ उस बैक टू बैक थोड़े से दिन, तो आपका अच्छे से हो जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। थोड़ा सा कष्ट देखना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि आपको बच्चों से दूर रहना पड़ता है। जब आप सोचिए कि अगर कोई जवान भी ड्यूटी कर रहा है वो भी मतलब इतना परेशान हो जाता है, तो वो तो जो आदमी है उसको भी दूर होना ही पड़ता है, चाहे मेन हो चाहे फीमेल हो, कोई हो उसको तो, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको भी दूर होना ही पड़ता है, तो वो तो दूर होना पड़ेगा। लेकिन इतना आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ये नहीं कि बाद में आप इस जॉब में तैयारी करो 3 महीने फिर आपको लगे कि यार मैं जॉब करने लायक नहीं मेरे, या मेरी ऐसी मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी, या मेरे को तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, तो वो तैयारी ना करें, ठीक है। थोड़ी सी डिफेंस की जॉब हार्ड होती है, इसमें कोई शक नहीं होता, इस हिसाब से होती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि जब इतनी लड़कियाँ कर रही है जॉब, तो जॉब अच्छी है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें हैं इनमें तो आपको पता ही है। चाहे वो चाहे आदमी हो चाहे कोई भी हो, चाहे हमको भी रहना ही पड़ता है अपने परिवार से दूर, तो रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो थोड़ा बहुत आपको त्याग देख करना पड़ेगा इस जॉब के लिए, फिर अगर आप चाहते हो कि हाँ फिर भी अगर आपको फौजी बनना है तो, ताकि फिर आपको ज़िंदगी में दुख ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ये चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं तो होता क्या कि लोगों को पता नहीं होती, फिर ज्वाइन कर लेते, फिर ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको माइंडली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं ये मेरे को कभी इफेक्ट नहीं करेगी, और मैं इन चीज़ों से उठकर सोचती हूँ अपने जीवन को, बस मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, और केवल यही काम नहीं करना जो चूल्हा चौका है ज़िंदगी में जो लोग करते हैं, वही काम नहीं करना, मुझे कुछ अच्छा करना है, या अपने देश की सेवा करनी है, देशभक्ति दिखानी है, और कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, तो वो ज़रूर इसकी तैयारी करें, ठीक है। फौजी बनने का गौरव हर किसी को नहीं मिलता, वर्दी आपको पता पहनते ही अलग से ही दिखती है, तो इसीलिए अब जैसे CRPF में कोबरा कमांडो बन रही है, पहले से भी एक कोबरा कमांडो बने हुए हैं, वो अपनी स्वेच्छा से बनते हैं, उनको अच्छा लगता है, NSG कमांडो बनते हैं, तो अपने आप में एक प्राउड वाली चीज़ है, वो आपको खुद को अच्छा लगेगा। लेकिन उनको लगेगा जिनका जज्बा है, जिनमें जज्बा है, जिनमें जुनून है ये जॉब करने का, उनको अच्छा लगेगा, रोने वालों को नहीं। तो जितने भी रोने वाले हैं वो तैयारी ना करें, थोड़ी सी टिपिकल जॉब है, तो उसी हिसाब से तैयार होए, अपने माइंड को तैयार कर ले कि हाँ मेरे को इसकी तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत।